नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं उनमें PCS भर्ती परीक्षा, RO हाईकोर्ट की परीक्षा, साथ ही साथ जो UP SSSC है उसे BDO के जो एग्ज़ाम्स होने थे उसके बारे में भी सूचना है दिया है। PCS दो परीक्षाओं में 38 सवाल गलत। PCS 2019 और PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में 38 सवाल गलत पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर कुंजी जारी किए जाने के बाद इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आयोग की ओर से जारी संशोधित उत्तर कुंजी में भी सवाल डिलीट किए गए हैं और अभ्यर्थी इससे काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि बहुत से कम नंबर वाले बच्चों का हो भी गया है और बहुत ज़्यादा मार्क्स आने वाले बच्चे जो हैं बाहर हो गए। ये देखिए सवाल है, जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से निवृत्त स्वर कौन से हैं, EAUO। अब इसमें पहले जो है ओ को सही माना गया था और बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ठीक उसी तरह से अन्य भी क्वेश्चन है, जैसे भारतीय संघारात्मक व्यवस्था में तृतीय तल का जोड़ा कब जोड़ा गया था, तृतीय तल इसमें 1990 1991 92 93 दिया था। आयोग ने 92 को माना था किंतु फिर अब जो है 93 को मान लिया। तो इस तरह से अभ्यर्थियों के क्वेश्चन बदल जाने से समस्या तो आती ही है, साथ ही साथ अभ्यर्थी इस बात से भी चिढ़े हुए हैं कि समय से नहीं जारी करने की वजह से संशोधित उत्तर कुंजी उनको उसका लाभ नहीं मिलता। मोदी जी की तरफ से एक अलग बयान आया है, कल हिंदी में भी होगी मेडिकल की पढ़ाई, फीस होगी आधी। PM, भारत को जब मजबूत करने की ज़रूरत है विपक्ष समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। अब भी माफिया से गठजोड़ की पुरानी राजनीति में फंसे हैं परिवारवादी, ऐसी जो बयान है वो PM जी के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस आधी करने की बात कही है। मेडिकल कॉलेजों की फीस आधी करने की बात कही है, साथ ही कहा है गरीब का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता है तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बन सकेगा। PM की यह घोषणा इसलिए अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र जो यूक्रेन में फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है और समस्या बड़ी है। दो ऐसे छात्र हैं जिनका कि वहाँ यूक्रेन की लड़ाई और यूक्रेन और रूस के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसमें देहांत हो गया है। वहीं अगली बात करें हाईकोर्ट की RO भर्ती परीक्षा की, तो RO का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। RO भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने के साथ ही विवाद बढ़ गया है। दिसंबर और जनवरी में इसकी परीक्षा आयोजित कराई गई थी, 414 का चयन किया गया है। कंप्यूटर सहायक के पद पर के लिए भी परिणाम जारी किया गया है। हाईकोर्ट की ओर से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की ओर से जो भर्ती प्रक्रिया ये चलाई गई थी, हाईकोर्ट ने इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया की थी, उसका परिणाम तो जारी कर दिया किंतु मेरिट इतनी हाई गई है कि अभ्यर्थी इसकी शिकायत कर रहे हैं और अब जो है अभ्यर्थी कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं कि दूसरी एजेंसी से यह परीक्षा पुनः से कराई जाए। हालांकि हर बार यह मेरिट ज़्यादा जाती है, इसका रीज़न क्या है, धांधली है या कुछ और, ये चीज़ समझ नहीं आती। वहीं अगली जो अपडेट है, सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा 14 से विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। इसके तहत कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा फेज 4 के लिए 2021 की जो परीक्षा है उसके लिए परीक्षा का जो कार्यक्रम है जारी कर दिया है। परीक्षा 14, 15 और 16 मार्च को कराई जाएगी। जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा स्थगित हुई थी वो निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा उनकी होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके SSC की तरफ से। वहीं बात करें UP SSSC की तरफ से, उनकी पुरानी भर्ती 2018 के BDO एग्ज़ाम की री एग्ज़ाम कराने की बात इसमें चल रही थी, लेकिन अभी तक इसमें अंतिम निर्णय नहीं आया है। आज जो है सुनवाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोर्ट केस लगा हुआ है, आज इसमें सुनवाई होनी है और आदेश भी आज क्लियर हो जाएगा। आदेश क्लियर होते ही जैसा कोई भी कुछ होगा आपको समाचार पत्रों और हमारे माध्यम से सूचित किया जाएगा कि परीक्षा पुनः से होगी या नहीं होगी। वहीं एक राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2022-23 चल रही है कक्षा 7वीं-8वीं के अभ्यर्थियों के लिए, उसकी लास्ट डेट 15 है और आप सभी के यहाँ जो भी अभ्यर्थी 7वीं-8वीं पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, वे जो है इस फॉर्म को भरवा सकते हैं।
तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।